पानी की निकासी नहीं होने से पाल कॉलोनी के बाशिंदे परेशान हो रहे हैं। गंदे पानी की वजह से कॉलोनी में मक्खियों और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। कई लोग गंदगी की वजह से बीमारी की चपेट में भी आ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने वोट लेते समय बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, परंतु वोट मिलते ही अपनी जिम्मेदारी भूल गए। इसके बारे में कई दफा पूर्व मंत्री को भी शिकायत दी जा चुकी है, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों ने जल्द से जल्द पानी की निकासी करवाने की मांग की है। फूसगढ़ गांव की पाल कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 2500 की आबादी वाले इस गांव की पाल कॉलोनी में करीब 600 बाशिंदे रहते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले करीब 20 साल से कॉलोनी वासी गंदे पानी की निकासी को तरस रहे हैं। निकासी के नाम पर सरपंचों द्वारा उनसे केवल वोट ही लिए जाते हैं। जब सरपंच से निकासी की बात करते हैं तो उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 3 वर्ष पूर्व राज्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, परंतु मंत्री जी तो चले गए और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से कॉलोनी में मक्खियों और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। गृहिणी मन्नत शर्मा रेखा कुसुम ने बताया कि गंदे पानी की निकासी ना होने की वजह से घरों की नींवों में पानी जाने लगा है। कॉलोनी की नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। मच्छरों के कारण कई बार बच्चों को डेंगू बुखार तक हो जाता है। उन्होंने कॉलोनी में चारों तरफ गंदगी फैलाई हुई है, परंतु सरपंच का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। हमारी मांग है कि शीघ्र ही कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी ठीक करी जाए। इस मामले में जब इंद्री वीडियो पे अंग्रेज सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस कॉलोनी को अवैध रूप से काटा गया है। क्लोनाइजर द्वारा किसी भी प्रकार से पानी के निकासी के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब गांव की पंचायत को आदेश जारी किए गए हैं कि जल्द कोई ना कोई ठोस इंतजाम किया जाए या फिर क्लोनाइजर द्वारा उनको जोहड़ के लिए नई जगह उपलब्ध कराई जाए। मेरा नाम मन्नत शर्मा है। हाँ जी, क्या समस्या है जी? हमें पानी की निकासी की समस्या है, क्योंकि हमारी कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं है कहीं भी, जिस वजह से हमारे कॉलोनी में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। मच्छर की वजह से दिक्कत आ रही है, कहीं भी घरों में मकानों की नींव में पानी जा रहा है, हर तरह की दिक्कत आ रही है, हमें परेशानी है इसमें। तो सरपंच क्या करते हैं? सरपंच कह रहे हैं कि हमें जगह मिलनी चाहिए, जगह नहीं दे रहा कोई, हमें जगह दो, पानी की निकासी हम निकालेंगे। ये कॉलोनी वालों का थोड़ा काम है, ये तो सरपंच का काम है जगह देना। तो आपसे जगह मांगता है? जगह कह रहा है मेरे को जगह दिलवा दो। हम कहाँ से जगह दिलवाएं? हम तो कह ही सकते हैं उनको भी कि हमें जगह दिलवाओ, वो बल्कि हमें उल्टा कह के भेज देते हैं वापस कि हमें जगह दिलवाओ। तो कब से समस्या है? ये तो काफी टाइम से चल रही है, कभी निकासी हुई नहीं, जब के कॉलोनी शुरू हुई है तब से नहीं निकासी हुई। अब तो ज्यादा ही समस्या बढ़ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं इसी वजह से। तो ऊपर भी आपने लोगों ने शिकायत की है कभी? ऊपर क्या था, एक दो बार कंप्लेंट करवाई थी तो कोई भी कुछ नहीं हो सका, कोई भी जानकारी, कोई कुछ नहीं सुनता है ऊपर तक। ये जो करणदेव के ऑफिस में कुछ नहीं सुनवाई हुई। तो उन्होंने क्या कहा था? उनके पास बस रख के आगे थे, कह रहे थे रख के चले जाओ, अपने आप आ जाएंगे देखने के लिए। एक दो बार आए हैं, कोई भी आते हैं यहाँ पे, पत्रकार आते थे, एक दो बार देख के चले गए। सरोज जी, क्या कहना चाहोगे? जो पानी की निकासी नहीं है और बहुत तंग और मच्छर बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि पानी की निकासी आई नहीं, निकासी मांगा हम पानी की। तो प्रशासन ने आपने कोई संकेत दिया प्रशासन को? ना, कोई नहीं करता अंदाजी, जितना कहा बस कोई नहीं करता। तो अपने यहाँ पर सरपंच है या एमसी है? सरपंच फूसगढ़ का। अच्छा, तो उनको उन्होंने देखा यहाँ पर कभी? हाँ, तो वहाँ पर समाधान तो नहीं कर रहे। अच्छा, तो क्या कहते हैं जैसे आप लोग जी? हम तो गए नहीं, पड़ोसी गए, उनका पता होगा। अच्छा, हाँ, पर ये बार कोई समाधान नहीं है इसका, निकासी का। अच्छा, तो क्या मांग करते हो आप लोग? हम तो निकासी मांगते हैं जी। हाँ जी, क्या समस्या आप लोग? हमारी यही समस्या है, सबके यहाँ से ना सफाई होती है, ना सीवरेज वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और देख ही रहे आप कितना गंद पड़ा है, और पानी की निकासी वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे ढंग से। तो क्या साल से आप रह रहे हो यहाँ पर? कम से कम 20 साल के करीब हो गए हैं। अच्छा, तो आज तक भी कोई निकासी नहीं? यहाँ शुरू से ही, मतलब देख सकते हो आप, शुरू से ही कॉलोनी में जैसे आओगे वहीं से आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी अभी तक तो नहीं है। तो कोई बीमारी का फैलने का भी इसका? बस ये तो डर तो रहता ही है, अपनी सेफ्टी खुद रखो बस, और क्या। तो सर किसी को शिकायत की है आपने सरपंच को या? हाँ, की भी है बहुत, जैसे पहले की है, अभी तो नहीं की, अभी तो ऐसे ही रहने की आदत हो गई है बस, और यही सोच लो।
तो क्या कहते हैं सरपंच जी ऐसे, मतलब कि बस करते हैं थोड़ा बहुत, जैसा कि नहीं तो लारे देते हैं बस। तो 20 साल तक आज तो कोई निकासी का नाम नहीं है? नहीं। अच्छा, तो क्या मांग करते हो आप? अब तो पहले तो भी ये भी नहीं थी, अब तो थोड़ी थोड़ी नालियां बनी हैं, बस पहले ये भी नहीं थी। तो क्या मांग करते हो आप लोग? बस यही पानी की निकासी की मांग करते हैं, और क्या पानी कहीं मतलब सप्लाई हो जैसे कुछ। दरअसल वो जो कॉलोनी है वो अवैध रूप से काटी गई, जिस व्यक्ति द्वारा वो कॉलोनी काटी गई उसके द्वारा उसमें पानी का कोई भी सोर्स ऐसा नहीं कहा गया जहाँ पे पानी की निकासी हो सके। इस बारे में पंचायत को बोल दिया गया है कि वो जल्दी ही उसके पानी की निकासी का कोई ना कोई समाधान कराए, क्योंकि पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है या उसमें सोखता गड्ढे बनाए जाए। तो कॉलोनी वासियों का कहना है कि सरपंच बार बार, मतलब 20 साल हो गए हमें यहाँ पर रहते हुए, तो आज तक भी कर सरपंच वादे करते हैं लेकिन पानी की निकासी का प्रबंध नहीं करते। पंचायत का जो अपना जोहड़ है वो जोहड़ उस कॉलोनी से ऊंचाई पर है, उसके लिए तो वहीं पे नई जगह दी जाए। जो कॉलोनाइजर है वो अगर उनको थोड़ी जगह दे दे तो वहाँ पर उनके पानी की निकासी का परमानेंट समाधान हो सकता है। तो विभाग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा, विभाग की तरफ से पंचायत को लिख दिया जाए, इस पर तुरंत कार्रवाई करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।